हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। फ्रेंड्स, आज अपन चर्चा करते हैं अपनी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्ज़ाम जो है उसका मॉडल पेपर 4 उपलब्ध करवा रहा हूं, तो उससे बनने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चन हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त आपका ख़राब नहीं करूँगा, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है इसलिए सीधा क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोशिकीय मशीनरी नहीं पाई जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, नहीं पाई जाती है तो किसमें? वायरस में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस होता है उसके बारे में दे रखा है, इस प्रकार के परिवर्तन करता है कि मनुष्य अन्य संक्रमणों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? तो प्रोकैरियोटिक जीव है इकोलाई। नेक्स्ट, ईस्ट के बारे में सत्य कथन क्या है? तो ईस्ट के बारे में यूकेरियोटिक जीवों से कम डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन ए निम्न में से किस जीवाणु द्वारा स्त्रावी टॉक्सिन का एक घटक माना गया है? तो यह स्टेफाइलोकोकस ओरियस, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भेड़ से स्क्रेपी व मवेशियों में भेड़ कावी डिजीज का रोगजनक क्या है? तो यह प्रायोन्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी है? तो वह मिसल्स। नेक्स्ट, वायरॉइड्स होते हैं, तो जो वायरॉइड्स होते हैं फ्रेंड्स वह सूक्ष्म संक्रमणकारी होते हैं, कैप्सिड रहित होते हैं और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबरकुलिन टेस्ट उपयोग किए जाने वाला एंटीजन होता है? तो वह विशुद्ध प्रोटीन व्युत्पन्न होता है, पीपीडी। नेक्स्ट, एचआर में जीवाणु वृद्धि कम या नहीं होती है क्योंकि क्या कारण माना गया है? निर्जलीकरण किया जाता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, राइबोज 5 फॉस्फेट का निर्माण पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में निम्न में से किस प्रकार होता है? तो ये होता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट के समायवीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसी अम्लों के संश्लेषण में अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने वाले पद का उत्प्रेरण जिस एंजाइम द्वारा किया जाता है वह एंजाइम कौन सा होता है? एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट, प्रोटीन का ग्लाइकोसीकरण किया जाता है? तो यह होता है फ्रेंड्स अंतःपरत जालिका व गोल्जिकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लाइक्सिलेट चक्र हेतु विशेष एंजाइम कौन सा है? तो यह होता है आइसोसिट्रेज लाइएज एंजाइम। नेक्स्ट, जैविक झिल्लियों के बारे में निम्न में से कौन सा लक्षण सही नहीं है? तो इनमें से देखिए, अकार्बनिक आयनों का वसीय द्विपृत्त के आर पार तीव्र विसरण होना, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, गोल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गोल्जिकाय का मुख्य कार्य वसा व प्रोटीनों का ग्लाइकोसिलेशन करना होता है। नेक्स्ट, फास्फोडाइस्टर बंध पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल में। नेक्स्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं निम्न में से किसका मुख्य घटक है? तो ये होते हैं तर्कु तंतु का। नेक्स्ट, निम्न में से किस वसा पर नेट ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये होता है फॉस्फेटिडिलसरीन में। नेक्स्ट, केंद्रक आवरण की बाह्य झिल्ली सीधे रूप से जुड़ी हुई होती है? तो यह जुड़ती है फ्रेंड्स अंतःपरत जालिका से। हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें केवल पुनरावर्ती डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रकीय प्रोटोप्लास्ट कहलाता है? तो यह होता है साइटोप्लास्ट। आनुवंशिकी हिमोलाइटिक एनीमिया जिसकी कमी से होता है वह होता है एल ग्लूटामिन डीएमिनेज। नेक्स्ट, झिल्लियों में पाए जाने वाला कोलेस्ट्रॉल, तो झिल्लियों में पाए जाने वाला कोलेस्ट्रॉल झिल्लियों की कठोरता में सहायक होता है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में आण्विक ओटू की आवश्यकता होती है? तो यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में होती है। विटामिन ई की कमी से होता है, बंध्यता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ वन पी डी का संयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ संकरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है परीक्षण संकरण। किस क्रॉस वंशागति निम्न में से किसकी वंशागति में देखने को मिलती है? क्रिस क्रॉस वंशागति, तो यह देखने को मिलती है फ्रेंड्स अपने हीमोफीलिया में। नेक्स्ट देखिए, वेस्टर्न ब्लॉट तकनीक निम्न में से जिसकी पहचान हेतु काम में ली जाती है?
वह क्या है फ्रेंड्स? तो वह प्रोटीन्स की पहचान के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट, जब जंतु कोशिका को अधोपराश्री विलयन में रखा जाता है तो वह फूल जाती है और फट जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा होता है प्रासरण के कारण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीनोमिक एलोटेट्राप्लोइड होता है? तो वह होता है फ्रेंड्स AABB। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किसी अज्ञात प्रोटीन का आणविक भार पता लगाया जाता है। तो अज्ञात प्रोटीन का आणविक भार पता लगाने के लिए काम में लेते हैं फ्रेंड्स अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। नेक्स्ट, द्विविमीय इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन्स का विलगन होता है। तो यह होता है पहले आवेश, फिर द्रव्यमान के आधार पर। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में प्रथम पद होता है तो वह कौन सा होता है? डीएनए विकृतीकरण का होता है, और डीएनए विकृतीकरण के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है उसे काम में लेते हैं। नेक्स्ट, वह नियम जिनमें सांद्रता प्रकाशिक लंबाई व प्रकाशिक घनत्व में संबंध पाया जाता है क्या कहलाता है? तो वह लैम्बर्ट बीयर नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबंध एंजाइम के लिए क्रियाधार होता है तो इसके लिए जो क्रियाधार होता है वह क्या होता है? द्विरज्जुकीय डीएनए होता है। नेक्स्ट, T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम का प्रयोग काइनेज प्रयोग किया जाता है तो यह प्रयोग किया जाता है डीएनए के 5' सिरे को लेबल करने हेतु। जीवाणुए संवर्धन में प्लाज्मिड की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तो यह लगाया जाता है फ्रेंड्स एंटीबायोटिक उपस्थिति में वृद्धि द्वारा। नेक्स्ट, एक चूहा जो किसी एक जीन को उस जीन के अक्रिय रूप से विस्थापित कर उत्पन्न किया जाता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है फ्रेंड्स अपने नोकआउट चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखेंगे रिपोर्टर जीन, शटलवाहक, इनको सुमेलित नहीं माना गया है। नेक्स्ट, वह जंतु हार्मोन जो धनात्मक फीडबैक क्रियाविधि प्रदर्शित करता है वह क्या होता है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। नेक्स्ट, एक तंत्रिका में क्रिया विभव उत्पन्न होने के दौरान विभिन्न घटनाओं का सही क्रम क्या होता है? तो इन घटनाओं का सही क्रम देखिए फ्रेंड्स, पहले विश्राम विभव, फिर विध्रुवीकरण, उच्च ध्रुवीकरण और विश्राम विभव, यह सही क्रम है। नेक्स्ट देखिए, हिमोफीलिया ए निम्न में से किस स्कंदन कारक की कमी से होता है? तो इसकी कमी का जो कारण है वह माना गया है 7। नेक्स्ट, मृत आरबीसी का निष्कासन किया जाता है तिल्ली ग्रंथि द्वारा। वह तंत्र जो हृदय पेशी, चिकनी पेशी एवं ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है स्वायतंत्रिका तंत्र। नेत्र के पश्चकोष्ठ में भरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? काचाप द्रव्य। वयस्क मनुष्य में निम्न में से किसमें ऑक्सीजनित रुधिर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है फुफ्फुसीय सीरा में। नेक्स्ट देखिए, बाह्य श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का सही युग्म क्या है? तो इनमें से देखिए फ्रेंड्स, से चार अपने यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन में, तो इनमें सही क्रम अगर अपन देखें तो बी दे रखा है, यानी कि गैसों के आदान प्रदान की सतह। फिर अपन देखते हैं कि गैसों की घुलनशीलता, आंशिक दाब और फिर बायोफास्फोग्लिसरेट की उपस्थिति, यह सही युग्म में दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या पीने से ADH स्त्रवण उच्चतम दर से स्त्रावित होता है? तो इसमें 2 लीटर समुद्री जल। नेक्स्ट, कोलेसिस्टोकाइनिन के उत्पादन एवं स्त्रवण का स्थान होता है तो यह होता है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेसिस्टोकाइनिन के उत्पादन व स्त्रवण का स्थान छोटी आंत माना गया है। दीप्तिकालिता होती है तो दीप्तिकालिता 24 घंटों में प्रकाश की बदलती मात्रा के प्रति पादपों की जो प्रतिक्रिया है वह दीप्तिकालिता। बसंतीकरण है तो बसंतीकरण होता है पुष्पन के लिए पादप को तैयार करना। अगला क्वेश्चन, प्रकाशानुवर्तन के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो प्रकाशानुवर्तन के बारे में वर्णक प्रोटीन फोटोट्रोपिन भाग लेते हैं, सही है। नीले प्रकाश से उद्दीप्त होते हैं, ये भी सही है। ऑक्सीन के कारण होती है, ये भी सही है, यानी कि जो सी ऑप्शन है अपने वह सही होगा। आवश्यक तत्व है तो आवश्यक तत्व क्या होते हैं? केवल वृद्धि संबंधी उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ों में आयनों का जो परिवहन होता है वह अपन देखते हैं फ्रेंड्स, वाहकों के द्वारा और सक्रिय रूप से होता है और सिंप्लास्ट एपोप्लास्ट द्वारा होता है, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जाइलम से होकर जल परिवहन हेतु आवश्यक ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? तो वह माना गया है वाष्पोत्सर्जन कर्षण। नेक्स्ट, क्लोरोफिल का प्रकाश ऑक्सीकरण रोका जाता है केरोटीनाइड द्वारा।
प्रकाश संश्लेषण में अति उपयोगी प्रकाश के रंग कौन से होते हैं? तो वे होते हैं लाल, सफेद व नीला। प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या कार्य होता है? तो प्रकाश आधारित अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कराना। पक्षमाभियों में केंद्रकों के आदान प्रदान द्वारा जिस प्रक्रिया के द्वारा आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वह प्रक्रिया कौन सी होती है फ्रेंड्स? संयुग्मन। निम्न में से कौन सा लक्षण स्लाइम मोल्डस में नहीं पाया जाता है? तो इनमें से कवक तंतुओं के जाल द्वारा निर्मित। निम्न में से कौन सा कवकों का लक्षण नहीं होता है? गमनशील अवस्थाओं युक्त। कवकों में अलैंगिक जनन से संबंधित कोशिकाएं या रचना कौन सी होती है? कोनिडियोस्पोर्स। लाइकेन में प्रकाश संश्लेषी भागीदार होता है तो वह हरित लवक, हरित शैवाल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लक्षण जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी व आवर्त बीजी पादपों को दूसरे पादपों से अलग नहीं करता है? तो नहीं करता है तो पीडिएकांतरण। परित्वचा के अंतर्गत आते हैं, परित्वचा के अंतर्गत फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म आते हैं। निम्न में से कौन फंड के युग्मकोद्भिद की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो सर्वोत्तम व्याख्या इसकी कोशिकाएं अगुणित होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ओटू उत्सर्जित नहीं करता है? तो इनमें से रोडो स्पारिलम। निम्न में से कौन सा पादप अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ऑक्सीजन हेतु काम में लिया जाता है? तो क्लोरेला। निम्न को सुमेलित कीजिए, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इनमें देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं शीर्ष उपजोतक। तो शीर्ष उपजोतक मूल शीर्ष में काम में लेते हैं। इसके पश्चात अपन देखें तो पार्श्व उपजोतक, पार्श्व उपजोतक यानी कि एदा कैम्बियम से रिलेटेड होता है। अंतर्वेवसी उपजोतक पर्वत से होता है और द्वितीयक उपजोतक जो होता है वह कवक एदा से होता है। इस आधार पर ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक बीजपत्री पादपों का लक्षण नहीं है। तो एक बीजपत्री पादपों का लक्षण नहीं है दो बीजपत्रों वाले बीज। नेक्स्ट देखिए, क्रेन शारीरिकी देखी जाती है। तो जो क्रेन शारीरिकी होती है वह सीपोर चक्र एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में होती है। चावल में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या यदि 12 है तो इसके किस उत्तक में 36 गुणसूत्र होंगे? तो ये होंगे भ्रूणपोष में, क्योंकि वह त्रिगुणित होता है। कोल्चिसिन कोशिकाओं को प्रभावित करता है समसूत्री तर्कों को अस्थायी करके। नेक्स्ट देखिए, लीची का खाने योग्य भाग होता है। तो लीची का जो खाने योग्य भाग होता है फ्रेंड्स वो होता है एरिल। एरिल दे रखा है सी ऑप्शन। नेक्स्ट, पुंज फल का उदाहरण माना गया है। तो पुंज फल का जो उदाहरण है वह है स्ट्रॉबेरी। अंडप के भाग है, तो अंडप के जो भाग है फ्रेंड्स वह दे रखा है यहाँ पर अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, तीनों अपन मान सकते हैं अंडप के भाग होते हैं। नेक्स्ट, मूसला मूल का रूपांतरण है तो गाजर। एक बीजपत्री पादपों वाले पादप फूलों का सही क्रम है तो वह पाल्मी ग्रेमिनेशी। नेक्स्ट, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पादप कौन सा है? तो वह सिकोया सेम्परवीरेंस होता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे की आयु का निर्धारण किया जाता है क्या कहलाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखेंगे गियार्डियासिस यानी टी क्रूजी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, एक मुख्य उद्विकासीय विकास जो कि सर्वप्रथम जंतुओं में स्पंज में देखा गया है तो वह कौन सा है? बहुकोशिकीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मुख्य उद्विकासीय विकास जो कि सर्वप्रथम जंतुओं में स्पंज में देखा गया है तो वह बहुकोशिकीयता। गोलकृमियों में देह गुहा कहलाती है कूट गुहा। वह जंतु संघ जिसमें सर्वाधिक जातियां पाई जाती है आर्थ्रोपोडा। कौन सा लक्षण इकाइनोडर्मेटा में नहीं पाया जाता है? तो ट्रोकोफोर लार्वा। मेंढक की टराहट का प्रायोजन होता है तो टराहट का जो प्रायोजन होता है मैथुन की पुकार के लिए होता है। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी होती है? हिलोडर्मा। एकमात्र विषैला स्तनधारी जीव कौन सा होता है? डकविलस प्लेटिपस। समुद्री अर्चिन में पाई जाने वाली अरस्तु की लालटेन का कार्य क्या होता है? भोजन को पचाना। निम्न में से किसमें लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक रहित होती है? तो ये होती है बंदर में।
नेक्स्ट देखिए, अंडप्रेजक स्तनधारी कहलाता है। तो अंडप्रेजक जो होता है वह एकेडिना। समुद्री नींबू कहलाता है, समुद्री नींबू जो है वह डोरिंस। उद्यान घोंगा कहलाता है, तो वह कुंडलिनी। शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने वाला ऊतक है कौन सा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने वाला ऊतक संयोजी ऊतक। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगी। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग होता है आरबीसी की संख्या गिनने के लिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा रुधिर में सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं एनीमिया रोग। नेक्स्ट देखिए, एम्फीबिया या उभयचर वर्ग के जंतुओं में हृदय कैसा होता है? तो इनका जो हृदय होता है वह 3 वेश्मी होता है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड होता है। अस्थिल कंकाल के क्या लक्षण होते हैं? यह रेप्टिलिया वर्ग का होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सभी स्पंज मुख्यतः समुद्री होते हैं, यह सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा आदि किसके उदाहरण होते हैं? समझात अंग के। मनुष्य के अवशेषी अंग माने गए हैं तो कर्ण, पल्लव। उत्परिवर्तनवाद प्रतिपादित किया था तो यह हुगो डी ब्रीज ने। मुक्त ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा पारितंत्र में किस पोषक स्तर पर उपलब्ध होती है? तृतीयक उपभोक्ता पर। नेक्स्ट, उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा संग्रहण की दर क्या कहलाती है? तो वह द्वितीयक के उत्पादकता कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, पार्थेनियम होता है, तो पार्थेनियम यहाँ पर माना गया है फ्रेंड्स एक आर चयनित जाति। जीवित जीवाश्म से आशय होता है, जीवित जंतुओं जो कि आदि लक्षण प्रदर्शित करते हैं। पहले पृष्ठाधारी पृथ्वी पर पेलियोजोइक युग के जिस काल में दिखाई दिए हैं? तो वह देर का है इसमें आर्डियोविशियन। जीवाणुओं में निम्न में से कौन एक ओपेरिन का उत्तेजक माना गया है? तो ओपेरिन का जो उत्तेजक है वह फ्रेंड्स IPTG। निम्न में से किस प्रोटीन के mRNA में पोलिएटेल नहीं होती है? तो यह हिस्टोन। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल DNA के प्रतिकृतिकरण के उत्तरदायी DNA पोलीमरेज है? तो यह फ्रेंड्स गामा। द्वितीयक लिम्फोइड अंग होते हैं, तो इनमें से कौन से हैं फ्रेंड्स? पलिया और गाल्ट। नेक्स्ट, हिस्टामिन स्त्रावित करने वाली एंटीबॉडी होती है, तो IgE। और अंतिम क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हेक्सोकाइनेज एंजाइम भाग लेता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम किस में भाग लेता है फ्रेंड? यह लेता है ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेता है। तो फ्रेंड्स, ये थे अपने 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके। और फ्रेंड्स, 2 दिन शेष बचे हैं एग्जाम के, तो जमकर तैयारी कीजिए। जितने मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उनको एक बार जरूर देखिए ताकि आपका रिविजन हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स।